जाकर बोल दे उसे आ रहा हूं मैं छुड़ाने। फिल्मी सीरीज में फिर से एक बार स्वागत है दोस्तों आपका। आज हम बात करने जा रहे हैं किल फिल्म के बारे में, जिसमें एक खतरनाक लेवल का एक्शन आपको देखने को मिलने वाला है। यहाँ से आया भारत के सबसे बड़े हिंसक फिल्म का आइडिया, एनिमल को भी किया फेल। पूरी अपडेट जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के पास। निखिल भट्ट की फिल्म किल 5 जुलाई को रिलीज होने को है तैयार। उन्होंने अपनी फिल्म को अब तक की सबसे खतरनाक हिंसक फिल्म बताया, क्योंकि जब फिल्म का ट्रेलर आया था तो पहले ही चेतावनी दी थी कि कमजोर दिल वाले इस फिल्म को ना देखें। फिल्म के डायरेक्टर ने फिल्म में हिंसा होने की आलोचना पे बात की और कहा कि उन्हें ये फिल्म का आइडिया कहां से मिला। इस फिल्म में लक्ष्य लालवानी और राघव जाल स्टार्टर है। किल में रणबीर कपूर की एनिमल से भी ज्यादा हिंसा होगी, क्योंकि खून खराबा जोरदार लड़ाई के सीन, सस्पेंस और रोंगटे खड़े कर देने वाले एक्शन से भरपूर। अप्रैल में जारी हुए टीजर में ये साफ हो गया था कि ये फिल्म एकदम खतरनाक लेवल की होने वाली है, और डायरेक्टर ने भी भारत में बनी सबसे खतरनाक फिल्म बताया, बोले तो हिंसक फिल्म बताया। जब निखिल भट्ट ने फिल्म के आइडिया और हिंसक होने की वजह से होने वाली फिल्म की आलोचना पर बात की है, निखिल ने हाल में ही एक दिए इंटरव्यू में अपने कॉलेज के दिनों को याद करते हुए कहा है, 1994 से 1995 में मैं एक स्टूडेंट के तौर पे पटना से पुणे जाने वाली बॉम्बे जनता एक्सप्रेस स्लीपर क्लास में सफर करता था। एक रात मैं चौंक के जाग गया क्योंकि ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पे रुकी हुई थी। मैंने नोटिस किया कि हम इलाहाबाद में नहीं है जहां हमें रुकना था। तभी हल्ला चिल्ला मचा कि एसी कोच में लूटपाट हो रही है, और मेरे कोच में दानापुर से आए सोल्जर्स बैठे हुए थे। वो सोच रहे थे कि हमारे कोच में कोई भी चोरी वगैरह नहीं हो सकता है। और निखिल ने कहा यह हादसा मुझे सालों तक याद रहेगा, इसी से इंस्पायर होकर उन्होंने ये फिल्म बनाई है। इस फिल्म की खूंखार सीन की वजह से बहुत ज्यादा आलोचना हो रही है। निखिल ने कहा है कि उन्हें फिल्म को मिलने वाली आलोचना से कोई डर नहीं है। उन्होंने रणबीर कपूर की एनिमल का उदाहरण देते हुए कहा है कि बॉक्स ऑफिस पर अपनी सक्सेस के बावजूद इसमें दिखाई गई बंदूक कुल्हाड़ी खून खराबे के लिए इसकी आलोचना की गई है। उन्होंने कहा अगर एक तरफ एनिमल की आलोचना की गई है तो उससे बड़े लेवल पर सराहना भी मिली है और ये एक बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म रही है। और उन्होंने कहा कि फिल्म मेकर के तौर पर मैं हमेशा एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार रहता हूं। मैं बहुत लालची फिल्म मेकर हूं, इसलिए अगर कोई सही वजह से इसकी आलोचना करता है तो मैं उससे सीख लूंगा। लेकिन यह कहने के बाद कि किल एक बेहद हिंसक फिल्म है इसलिए इस फिल्म की आलोचना की जा रही है, तो ये लगभग एक और फिल्म की तरह है जिसकी लोगों को डराने के लिए आलोचना की जा रही है। इस तरह की एक्शन खूंखार फिल्म आपने सिर्फ हॉलीवुड में ही देखा होगा, लेकिन अब इंडियन सिनेमा में भी ऐसी खूंखार फिल्म आ चुकी है। आपको बता दूं दोस्तों कि आपने सिर्फ राघव जाल को कॉमेडी करते हुए या डांसिंग करते हुए देखा, अब उनका खूंखार विलन लुक देखने में मजा आएगा। आपको राघव जाल का विलन लुक कैसा लगा ये हमें कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों। वहीं आपको बता दूं दोस्तों कि इस फिल्म की जो बजट है वो 100 करोड़ से लेके 120 करोड़ के आसपास इस फिल्म की बजट बताई जा रही है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल सब्सक्राइब कर ले।